उधर बैतूल के भैंसदेही विकासखंड में लगातार बारिश होने के कारण क्षेत्र में लगी सोयाबीन और मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों के मुआवजे को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार के साथ कार्यकर्ता भी तहसील कार्यालय पहुंचे थे। एसडीएम केसी परते को सर्वे और मुआवजे की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार ने कहा कि क्षेत्र के किसानों के लिए सोयाबीन की फसल आर्थिकता का सबसे बड़ा आधार है, वैसे में सोयाबीन की फसल तबाह होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। जिस प्रकार से अभी एसडीएम साहब से मेरी बात हुई थी कि इसमें अभी क्या फसल जो है फूल और इस पे है, जब तक इसका पूरा मूल्यांकन जो दाना ना आ जाए, जब तक इसका क्या कहते हैं मूल्यांकन सही तरीके से नहीं आता है, परंतु शासन ने अपने तरफ से ये शासन को अवगत करा दिया कि यहाँ पर मौजिक और क्या कहते हैं अतिवृष्टि है, परंतु उसका हर खेतवार मुआयना जो करवाना है ये आदरणीय एसडीएम साहब द्वारा एक टीम गठित करेंगे और उसको क्या कहते हैं करेंगे, परंतु उसको भी कुछ टाइम उसमें आएगा जिसका मेरा